फाइनली इतनी चढ़ाई के बाद, मशक्कत के बाद हम पहुंच गए हैं, लेकिन हमें पूरे रास्ते में इतने अच्छे अच्छे व्यूज देखने को मिले लो जो हम कैमरे में नहीं कर पाए। ऑब्वियसली वो आप यहाँ पे बीच में अगर आपका ऑटो रुक सकता है, आप अपने ओन व्हीकल से आ रहे हो, आप पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ से आप रुक रुक के उन मतलब उन उस व्यू को कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी हमने तो ऑटो करा था, तो यहाँ पे हमें ऑटो ने छोड़ दिया, आपको थोड़ा सा पहले छोड़ देगा फोर्ट से। यहाँ पार्किंग मतलब थोड़ी सी पहले पड़ जाती है और फोर्ट ये यहाँ पर है जो अभी दिख रहा होगा आपको। तो पीछे हमारे यहाँ पे सामने फोर्ट है, तो अब वहाँ पे थोड़ा सा चलकर जाएंगे हम लोग। जस्ट फॉर द ब्रीफ आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे, ये एंड वो रहा मेरे पीछे फोर्ट, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं एंड लुक एट द व्यू यार। इसकी ऑटो पार्किंग थी यहाँ पे, इसकी ये कार पार्किंग है, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, काफी बड़ी पार्किंग है अच्छी खासी। फोर्ट में एंटर होते ही हम लोगों ने अपनी टिकट्स ली और हम चल पड़ गए इस फोर्ट की सुंदरता को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने अभी नाहरगढ़ फोर्ट में एंट्री ले ली है, ये हमारी टिकट है, स्टूडेंट आईडी का यहाँ फायदा आ रहा है, बहुत फायदा, मतलब कॉलेज 3 साल तो काम आए नहीं लेकिन यहाँ बहुत काम आ रहा है टिकट्स में। तो अगर आपकी आईडी 2 या 3 साल भी पुरानी है ना तो ले आना, काम हो जाता है, चल जाएगा आसानी से। 20 रुपीज में मिल गई, मतलब 50 रुपए की टिकट हमें 20 में मिल गई। और बाकी जितने भी आप हिस्टोरिकल प्लेसेस यहाँ पे या जाओगे साइट जाओगे वहाँ पे आप सबको, आपको हर जगह इंडियन स्टूडेंट आईडी का बेनिफिट मिलेगा। नाहरगढ़ फोर्ट राजपूत और यूरोपियन वास्तुकला का एक शानदार प्रदर्शन है, जिसमें गुंबददार छत, खुले आंगन और सुंदर महल है। So guys, this is the viewpoint of नाहरगढ़ फोर्ट, यहाँ पे चलके अभी हम जाएंगे यहाँ पे भी। And ये कुछ साइड में आपको शीश महल, यहाँ पर बहुत सारी ट्रेडिशनल सॉन्ग और डांस चलते रहते हैं, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर आके। इस फोर्ट में एक बहुत ही सुंदर बावड़ी भी है और यहाँ पर बॉलीवुड की मशहूर फिल्म रंग दे बसंती का गाना मस्ती की पाठशाला इसी बावड़ी में शूट किया गया। गाइस बंदरों का बहुत खतरा है, तो जरा बच कर आना बंदरों से। यहाँ के बंदर ना पीट पीट भी देते हैं और उनको बुरा तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अब हम फोर्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, देखते हैं अंदर से कैसे अरे गंदी शक्ल, चलो चलते हैं देखते क्या है अंदर। नाहरगढ़ फोर्ट 18वीं शताब्दी के दौरान सवाई जय सिंह के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। इसके निर्माण का प्राथमिक कारण राजा की रक्षा को मजबूत करना था। इस किले को पहले सुदर्शन गढ़ कहा जाता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा माना जाता है
की नाहर सिंह भूमिया नाम के एक राजकुमार की आत्मा इस जगह के निर्माण में बाधा बन रही थी। एक दिन राजा ने इस राजकुमार को अपने सपने में देखा। उसकी भावना को सम्मान देने के लिए इस किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया। साथ ही किले के परिसर में उन्हें समर्पित एक मंदिर भी बनाया गया। मेरे लिए माधवेंद्र पैलेस के अंदर की दीवारों और छत पर खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग नाहरगढ़ फोर्ट की सबसे सुंदर चीज थी। इस महल के कमरे बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। रंगीन डिजाइन, फूल, पौधे, पत्ते, जानवर, बेल आदि जैसे पैटर्न शाही कक्षों और गलियारों की दीवारों और छतों को सुशोभित करते हैं। तो ये जा रही हैं ऊपर की तरफ सीढ़ियां। You can see the beauty of this palace, like fort, sorry. बहुत ही superb है यार, बहुत ही historic feel आ रही है यहाँ से ना, मतलब इतना सुंदर। यहाँ पे आपको ऐसी बहुत सारी खिड़कियाँ मिल जाएगी जहाँ से आपको इतने amazing views देखने के लिए city के। Oh my god, this is amazing. यार बहुत ही अमेजिंग व्यूज है, ये तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है? ओके, सो वी आर एट द टेरेस ऑफ नाहरगढ़ फोर्ट। एंड यार पता है यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है ना, वो इसकी टेरेस है, क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिखता है ना सिटी का, लाइक बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आपका दिमाग घूम जाएगा उसे देख के कि मतलब क्या ही है। और यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है, सनराइज पॉइंट भी है, तो आप किसी भी टाइम आके उन दोनों पॉइंट से इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। लाइक बहुत ही अमेजिंग और फोटोजेनिक प्लेस है ये। तो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है। जब हम नाहरगढ़ फोर्ट से दिखने वाले सुंदर नज़ारों को एंजॉय कर रहे थे, तो हमारे साथ हुआ कुछ ये इंसिडेंट। पॉपुलर हो जाएगा तू अब। ये चाय फील कर रहा हूँ। आइए हमारे साथियों से पूछते हैं उनको कैसा लगा। चाय
तो गाइस कैसा लगा? बहुत बढ़िया, यहाँ का सुंदर है, बहुत अमेजिंग व्यू है। तो सनसेट या सनराइज के टाइम पे तो जरूर आए हैं। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं थारगर फोर्ट से, और अगर आपको जयपुर सिटी का बेस्ट व्यू लेना है तो आप यहाँ पर ज़रूर आएँ और व्यू एंजॉय करें। आपको यहाँ से पूरी जयपुर सिटी दिखेगी, पूरी पूरी, किसी भी साइड पर जाओ चारों साइड से पूरी जयपुर सिटी दिखेगी। तो जयपुर सिटी में अगर आप ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप नाहरगढ़ फोर्ट का ट्रैक ट्राई कर सकते हैं। नाहरगढ़ फोर्ट का ट्रैक कुछ 18 किलोमीटर का है, और अगर आप लोगों को ट्रैकिंग नहीं करनी तो आप अपनी हायर्ड व्हीकल या फिर पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ पर आ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही ट्रैवल वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।